डॉक्टर सुरेन जो के डायरेक्टर हैं कॉन्सेंट यूनिवर्सिटी अटक के, उसके अलावा सी और एम सी हमारे गली साहब को अपडेट करते हैं, उसके अलावा जो हमारे मीडिया के हजार मीडिया के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और सिविल सोसाइटी के नौजवान जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन सबको इस इकदाम पर खुश अपील करते हैं। आज का दिन है 4 मई का जो दिन है ये बेसिकली इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के हवाले से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन का बेसिकली मकसद ये है कि आज के दिन हम फायर फाइटर्स वो लोग हैं जो अपनी जानों पर खेल कर हमारे कीमती सामान और हमारे लोगों की जानों की हिफाजत करते हैं। आज का दिन का मकसद ये है कि हम उन लोगों को ना सिर्फ राज-ए-तस्लीम पेश करें बल्कि हम उनके साथ शामिल होकर उनको ये बता सकें कि आप लोग ना सिर्फ हमारी जानों की हिफाजत करते हैं बल्कि हम आपके साथ हर दम तैयार हैं। इस दिन के और इस तकरीब को मुनक्किद करने का एक और बहुत अहम मकसद है, वो मकसद ये है कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और कुछ कानून पास किए हैं जो कि फायर प्रिवेंशन और बिल्डिंग सेफ्टी लॉज के तौर पर जाने जाते हैं। उन कानून का मकसद ये है कि हम अपने जो मुस्तकबिल में बनने वाली बिल्डिंग्स हैं उनमें लोगों की जानों को महफूज बना सकें, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो खासतौर पर जहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, तो जब भी किसी की जान का ज़िया होता है तो वो आमतौर पर ये बिल्डिंग्स के वाकयात में होता है, तो अगर उनमें फायर प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से मौजूद हों तो ये इन चादरों को ज़िया होने से हम बचा सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं दावा देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मिस्टर अली हुसैन साहब को कि वो आए और प्रेजेंट करें आपके सामने वो बिल्डिंग से लॉस और आपके साथ डिस्कस करें कि कैसे हम लोगों की जानों को महफूज बना सकते हैं। सर प्लीज आपकी भरपूर तालियों में। उससे या एप्रिसिएशन वसूल करने के मकसद के बजाय हमारा मकसद आज ये है कि हम अपनी अर्बन प्लानिंग को डिस्कस करें, हम अपनी अर्बन प्लानिंग को डिस्कस करें और देखें कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग है उसमें फायर प्रिवेंशन का मुकाम क्या है, उसकी हैसियत क्या है, हम कहाँ पे मौजूद हैं या बेहतरी की गुंजाइश कितनी है, हम चीज़ों को कितना बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है फायर प्रिवेंशन से जो रूल्स रेगुलेशन पास किए हैं उसकी तरफ गो थ्रू करेंगे ताकि हम इसको आज के दिन को अवेयरनेस के लिहाज से भी हम इसको कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में हम इसको देख सकें। ये कुछ डाटा है हमारे पास एफजी इमरजेंसीज का 2022 तक का, इसमें गो के अटक जो है इतना इसको हम मेजर सिटीज में नहीं शुमार करते, लेकिन फायर इमरजेंसी चूंकि हमारा रहन सहन इस तरह से है कि उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी एजेंट होते हैं फायर लगने के लिए जो असबाब होते हैं वो हमारी जिंदगियों में बहुत अमल दखल है उसका, तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ इमरजेंसीज है वो डे बाई डे उसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, शहर में ज़्यादा है अटक के अंदर, जो बाकी जो तहसीलें हैं उनमें उतना नहीं है, हजरों के अंदर अच्छा नंबर है। ये इस चीज़ को तरफ आ रहा है कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते, अर्बन प्लानिंग के अंदर हमें अपनी फायर सेफ्टी के को खुफिया देनी पड़ेगी। इससे ये नंबर ज़्यादा विजिबली आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कहाँ
कहाँ पे किस जगह पे कितने फायर इमरजेंसी हैं और हमें कहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत है। ये कुछ फैक्टोरियल हैं सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। ये पंजाब के निकट सेफ्टी बिल्डिंग रेगुलेशन 2022 पास हुए असेंबली से, इसका ताल्लुक अर्बन प्लानिंग को किस तरह से हमने इम्प्रूव करना है और फायर सेफ्टी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपनी इंजीनियरिंग, अपनी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उससे इसका ताल्लुक है। कुछ डेफिनेशन है इसकी, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों से शेयर करूंगा फायर इमरजेंसी के। अमूमन रावलपिंडी बड़ा शहर है, फायर की इमरजेंसी भी वहाँ पर ज़्यादा होती है और मेरा एक्सपीरियंस भी वहाँ का ज़्यादा है, तो मेरे याददाश्त में वही ज़्यादातर हवाले आएंगे। जिस जगह के ऊपर या जिस हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी एग्जिट नहीं होगी, ज़्यादातर जो अमवात होती है वो वहीं पे होती है। ट्रैप होता है विक्टिम उसके अंदर, उसके पास जाने का रास्ता नहीं होता और हम अमूमन इमरजेंसी एग्जिट को अगर कहीं बना हुआ है तो उसको गैर जरूरी चीज़ तसव्वुर करते हैं। ठीक है, हादसा तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हादसे को कोई वक्त तो नहीं होता और अमूमन हादसा वहीं पे होते हैं जहाँ से बंद होता है। एक सदर के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक दफा आग लगी थी, उसके अंदर 7 बच्चियां जो है वो उनकी मौत हो गई। हालांकि उसको हम हाई राइज भी नहीं कह सकते थे, लेकिन एक ही एग्जिट था वो बंद था और जो खिड़कियां थी उनके ऊपर ग्रिल लगी, तो वो बच्चियां अगर आग लगने की सूरत में क्या करती थी। इमरजेंसी एग्जिट बंद था, मेन जो रास्ता था वहां पे आग लगी हुई थी, जो खिड़कियां थी उनके ऊपर ग्रिल लगी हुई थी, वो बेचारी आग से मतलब उसके अंदर ही जल गई और उधर ही उनकी जिंदगी जो है वो अगर
कोई भी आदमी उसको देखता, उस बिल्डिंग को देखता, उसके डिजाइन को देखता, तो ये कहता है कि ये तो खुद हमने अहतमाम किया हुआ है लोगों को मारने। तो बहुत ज्यादा अहमियत है इमरजेंसी एग्जिट की, हमें बाय डिजाइन भी रखना चाहिए, और अगर कहीं पे बाय डिजाइन मौजूद है तो उसको अहमियत दें और उसको बंद ना होने दें, उसको बंद ना करें। हादसा कहीं भी हो सकता है, उसका कोई वक्त नहीं होता। जिस तरीके से हम सामान की पैकिंग कर देते हैं, खासकर कमर्शियल जगहों के अंदर, हम उसको स्टोरेज बना देते हैं। जो इमरजेंसी एग्जिट है उसको अमूमन स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि चलो यहाँ पे आना जाना इतना नहीं है, इसी को स्टोरेज बना रहे हैं। फिर आगे है कि एग्जिट साइन, इमरजेंसी एग्जिट अगर मौजूद है तो एग्जिट साइन भी होने चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट किस तरफ है, उसकी सिम्बत भी मौजूद होनी चाहिए। ये ना हो कि जो नया आने वाला ऑक्यूपेंट है वो ढूंढता ही रहे इमरजेंसी एग्जिट को, इमरजेंसी एग्जिट किस तरह, तो दाएं जाने के बजाय बाएं जा रहा हो और कहीं और जा रहा हो, उसी के अंदर वो कंफ्यूज हो जाए। फिर है फायर प्रिवेंशन के ऊपर है, हाइड्रेंट सिस्टम्स, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं या जो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो इसको काफी अहमियत दे रहे हैं, इसकी अहमियत को वो समझते हैं। हमारे यहाँ अभी मुतारफ नहीं हुआ, जो बड़े शहर है वहाँ पे है काफी हद तक उन्होंने शुरू किया, लेकिन जो छोटे शहर है वहाँ पे अभी तक इसको उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। फायर अलार्म सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फर्स्ट एड बॉक्स है, और फिर जो हाई राइज बिल्डिंग है उनका जो सेंट्रलाइज्ड हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है उससे मुतल्लिक है, जनरल सेफ्टी और एक्सेस है रोड की, इमरजेंसी सर्विसेज की। आगे आ ये इमरजेंसी एग्जिट के बारे में, एक्सटर्नल इमरजेंसी एग्जिट अमूमन अगर हमारे यहाँ पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हम अब उसको तोड़ के नहीं बना सकते तो वहाँ हम एक्सटर्नल लगा सकते हैं, इस पे आया जा सकता है, इस पे सोचा जा सकता है। जिस तरह एक बिल्डिंग काउंसिल के साथ बैठे हुए हैं, इनकी इन्होंने भी एक हद तक उसको एक्सटर्नल स्टेट के स्टील ही है अपनी बिल्डिंग के अंदर, थोड़ा सा उसको बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, फिर ये उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं कि उसकी ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए और साथ उसकी जो क्लियरेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 18 इंच उसकी क्लियरेंस होनी चाहिए, 3 फीट का उसका एग्जैक्ट डोर होना चाहिए, और फिर बीच में लगता है मेजरमाइंड फ्लोर के अलावा, मेजरमाइंड फ्लोर के जो दरमियान में बिल्डिंग के अंदर मतलब छत और फ्लोर के अंदर एक इंटरमीडिएट किस्म का आपने फ्लोर दिया हो, उसके अलावा बाकी जितने भी फ्लोर होंगे उसमें आपको इमरजेंसी एग्जिट देना होगा। नेक्स्ट। अच्छा, फिर इमरजेंसी एग्जिट के अलावा अगर आपके पास हाई राइज बिल्डिंग है तो उसमें रिफ्यूज एरिया देना भी जरूरी है, ये भी बहुत जान बचाने के लिए कि अगर आग लग जाती है और कमरे में उसके पास गुंजाइश नहीं है छुपने की तो फिर वो खिड़की अमूमन खिड़की तोड़ के बाहर रिफ्यूज एरिया बनाया जाता है जहाँ पे इस तरह की एक सूरत हाल बनी हुई है। एक और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अगर कहीं पे ये रिफ्यूज एरिया नहीं बना हुआ तो अमूमन जो हमारे डिजाइन के अंदर जो बाथरूम है, अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो जो बाथरूम है उसकी वेंटिलेशन अक्सर हमने बाहर रखी हुई होती है, तो ये रिफ्यूज एरिया के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है कुछ टाइम तक के लिए, और हमारे बाथरूमों के अंदर कोई ऐसी चीज भी नहीं होती जिसको आग लगे। और एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैरिड के अंदर एक दफा आग लगी, आप लोगों के याददाश्त में होगा जो बम ब्लास्ट वाला वाकया हुआ था, उसमें जो अवेयर लोग नहीं थे या जिन कम्युनिटीज की अवेयरनेस नहीं थी उनकी वहां पे वो ज्यादा उसमें कंज्यूम हुए थे कुछ लोग, या वो सोसाइटीज जो बेहतर थी उसमें से एक मेरे ख्याल में कुछ वाकया का पीछे एम्बेसडर था, तो उनको थोड़ी बहुत समझ थी, जब उन्होंने देखा है कि सूरत हाल उसमें छुपने के नहीं है तो वो बाथरूम के अंदर उन्होंने वहां पे रिफ्यूज लिया और दरवाजा बंद कर दिया, उससे इतना टाइम हो गया कि इमरजेंसी सर्विसेज को मौका मिल गया, तकरीबन 2-3 घंटे मिल गए उसको एवेक्यूएट कराने के लिए। तो ये आप लोग भी इसमें इस पे सोच सकते हैं कि और अपने कहीं पे हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर रिफ्यूज एरिया के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आगे है हमारे पास की जो स्टेयर केस है उसकी वो उसमें रोशनी का अहतमाम होना चाहिए।
अगर रात के वक्त इमरजेंसी या फायर इमरजेंसी आती है, अगर वो वहाँ पे रोशनी के इंतजाम नहीं है और वहाँ पे अंधेरा है, तो फिर उसका कोई उसकी कोई अफादियत नहीं है। अंधेरा में वैसे ही उसका एक खौफ होता है, जो आप पैनिक सूट के हाल बहुत ज्यादा फौजदा होता है एकदम। और फिर उसके अंदर उसकी जो ओपनिंग है वो, फिर भी उसकी जो लाइटिंग का सिस्टम है वो जो आम बिजली गई हुई है उसके साथ उसका ताल्लुक ना हो, इसलिए इसकी लाइटनिंग इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि अमूमन तो बिजली चली जाएगी उस सूरत हाल में, या जो मेन पावर है वो उसकी सप्लाई कार्ड भी चल जाएगी। तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर भाई परेशानी होगी उसको, वो अंधेरा होगा और अंधेरे में इसमें कुछ नजर नहीं आएगा। ये वही बात के अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर मौजूद ना हो तो हम एक्सिट जो केस है वो कैसे दे सकते हैं। फिर इमरजेंसी एग्जिट के जो साइन बोर्ड्स हैं ये विजिबल होने चाहिए और इस तरह से होने चाहिए कि रात को भी नजर आए। आगे है फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स कितनी है। हाइड्रेंट सिस्टम हम दो यूज करते हैं, एक है इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम और एक होता है एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम। पहले इसमें है ये एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम है, अटक के अंदर तो मेरे ख्याल में कहीं भी एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम किसी बिल्डिंग के अंदर भी नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जरूरी होता है कि एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम उसका मौजूद हो ताकि फायर सर्विस को दूर ना जाना पड़े अपनी गाड़ियों के लिए फिलिंग के लिए। जिस बिल्डिंग के अंदर भी या उसके बाहर एक्सटर्नल हाइड्रेंट सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत कम नुकसान होता है। रिफिलिंग के लिए गाड़ियों को दूर नहीं जाना पड़ता, वहीं से रिफिलिंग होती है और जो टाइम है वो मुख्तसर हो जाता है हमारी फायर फाइटिंग में। नेक्स्ट, ये फिर उसका इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम है उसके मुतल्लिक है। और इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम के अंदर अगर हमारे यहाँ किसी ने लगाया भी है तो उसको ग्रेविटी के थ्रू सिर्फ उसने ऑपरेट किया हुआ नहीं, इसका अपना पंपिंग सिस्टम होता है और उसकी जो पावर सोर्स है वो भी मेन जो पावर सप्लाई है उससे अलग होती है, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसको मेन उसी पावर सप्लाई में रखेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, ये जिस तरह उसमें नीचे पावर पंप है हाइड्रेंट सिस्टम का या स्प्रिंकलर सिस्टम का, अमूमन यही पावर पंप है ये उसके साथ कनेक्ट होता है दोनों चीजों के साथ। कैपेसिटी है उसकी ओवरहेड रिजर्वायर की और इंटरनल उसकी, जैसे जैसे उसकी बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, हमारे जो कैपेसिटी है वाटर स्टोरेज की वो भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर के बारे में, फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम भी अगर ये ऑटोमेटिक हो तो ज्यादा बेहतर होता है कि आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर भी आपको अंदाजा हो जाता है कि आग लग गई है और जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं उन तक भी अर्ली कम्युनिकेशन हो जाती है। अदरवाइज तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बिल्डिंग को आग लगी हुई होती है, बिल्डिंग जल जाती है, जब उसकी आग के शोले बाहर नजर आते हैं लोगों को फिर इतला होती है कि आग लग गई है, आज हम उस वक्त सब कुछ फिनिश हो चुका है। ये है फर्स्ट रिस्पॉन्स के हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का रुझान है लेकिन अमूमन इनसफिशिएंट लगे हो, तो इसके बारे में जो रूल्स है रेगुलेशन है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। 75 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, हर 75 फीट के ऊपर एक फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर वो किचन के एरिया है या जहाँ पे आग ज्यादा लग सकती है तो फिर ये 75 का डिस्टेंस होता है ये 30 फीट पे आ जाता है। जहाँ पे किचन का है या इस तरह की कोई प्लेस है वहाँ पे आप 35 फीट के ऊपर लगाएंगे, अदरवाइज 75 फीट के ऊपर हर 75 फीट के ऊपर आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये उसकी प्लेसिंग से मुतल्लिक है कि आप उसको एटलीस्ट 5 फुट जमीन से 5 फुट की हाइट पे रखेंगे। फर्स्ट एड बॉक्स खासकर उन जगहों के ऊपर जिस तरह के कॉलेज हैं यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर मैसिव गैदरिंग होती है वहां पे आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखने की जरूरत है। अमूमन आग लगने की जो हमारे पास वजूहात हैं ज्यादातर हमारी वायरिंग जो है वो सबब बनती है और वो
कोई ऐसा निजाम भी नहीं है कि हम जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर होते हैं कि वो वायरिंग इंस्पेक्शन वगैरह करते रहे। केबल लगी हुई है तो 25-25 साल 30 साल तक वही केबल लगी रहती है, उनकी कोई रुझान नहीं है हमारे यहाँ उनकी टेस्टिंग का, क्या उनकी मजीद सलाहियत है या नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिक लोड नापने का भी कोई रुझान नहीं है। हमने जो जहाँ पे लाइट सोर्स लगानी है वहाँ पे हम लाइट सोर्स लगा लेंगे, इसलिए वहाँ पे लगा देंगे, उसी जगह के ऊपर हम लगा देंगे अपना एसी का भी सोर्स वहाँ पे लगा देंगे। और फिर हमारी इंटरनल तो नुक्स है ही है, तो हमारा एक्सटर्नल जो वाडा का ने मेहरबानी की हुई है वो रोड के या गली के दोनों तरफ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट तारें दी हुई हैं। आप लोग के सामने एक हमारा उपू बाजार के अंदर एक आग लगी थी, उसकी वीडियो भी मौजूद थी रावलपिंडी के अंदर। उसके अगर आप वीडियो देखें तो बाहर जो तारें लगी हुई थी वो आपस में टकराई हुई हैं, उनके टकराने से वो पूरा बाजार जो है उसकी लपेट में आ गया और सारा नुकसान हो गया। और वापस तो कभी भी नहीं क्लेम करेगा इसको कि ये हमारी पूअर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ। ये कुछ सेफ्टी से कुछ अलग चीजें हैं कि आप इस तरह की टूटी फूटी चीजें ना रखें जो मूवमेंट के दौरान जख्मी होने का या लोगों को जख्मी होने का एक्सेस से मुतल्लिक है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं आप जो गाड़ियां बनाए या जो रस्ते बनाए तो वो खुले हों ताकि जो एग्जिट है या जो एंट्रेंस है वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आसान हो। वही फिर डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास बेहतर होना चाहिए। अच्छा फिर इमरजेंसी सर्विसेज ने एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, इसकी तरफ हम 1-2 साल तक उम्मीद है कि हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपनी अर्जेंट प्लानिंग के अंदर। इंस्पेक्शन इमरजेंसी सर्विसेज से रेस्क्यू 112 से इंस्पेक्शन और फिर सर्टिफिकेशन कि हम किस तरीके से हम मतलब साल तक का जो भी आप लोग एक अप्लाई करेंगे कि हमारी बिल्डिंग को देखेंगे सुटेबल है उसके लिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी इंस्पेक्शन और फिर साल के बाद उसकी रिन्यूअल का जो है उस प्रोसेस अल्टीमेटली हमारा जो गोल है 1-2 साल के अंदर हम इसको इस तरफ लेके आएंगे ताकि हम रेगुलरली जो हमारे खासकर जो अर्बन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनको हम देखें और फायर सेफ्टी से मुतल्लिक इनको मेंटेन करें ताकि हम जो फायर के जो रिस्क हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें। वैसे तो प्रेजेंटेशन काफ़ी तेजी थी लेकिन वक्त हमारे पास तकरीबन सबके पास मुख्तसर होता है, मैं वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे और सबसे रिक्वेस्ट है कि आए कुछ सेंटेंस।
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने कारोबार की हिफाजत के साथ साथ उसके ये है कि प्रोसेस भी है जिसके बारे में हमारे यहाँ सिक्योरिटी के बारे से उसके मुताबिक भी ये कि खुदाना खास्ता भी हादसा हो गया है जो एम्प्लॉय था जो सिक्योरिटी बनाई उसकी तो 4 लाख रुपये भी करना अब जो है कि वो 4 लाख से बहुत कम है अब उसके ऊपर जो इस्लामी उनके प्रोविजन है तो इस्तेमाल करके लोगों ने लॉ मेकिंग जाए ये इनिशिएट हो चुका है जिसके तहत तो डी एस देनी पड़ेगी और क्योंकि लॉज की जरूरत है तो फाउंडेशन को डेलीबरेट एक्ट करता जाएगा तो डी एस की जरूरत आज की तारीख में 4.5 बजे इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जो जिन्होंने खुद देखी भी आती है एमरजेंसी रूम के अलावा शायद हम लोगों को भी फीलिंग भी लग रही होगी उनका मकसद ये है कि ये रूल्स हमने इम्प्लीमेंट करने हैं और इससे हमारी तो मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में आप लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं आपकी ख्याल बारी जानना चाहूंगा कि आप इस सिलसिले में क्या राय है कि हम कैसे इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लोगों में कैसे ये अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों को ना सिर्फ अपनाएं बल्कि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ को लेके आने के वो इन रूल्स को अपनाएं तो मैं सबसे पहले सर डॉक्टर जुनेद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा सर प्लीज आप अगर हमें कुछ समय दें और अपने ख्याल पर ध्यान दें से 40,000 का दे दें और हमारा घर से
सेफ हो सकते हैं, जलजलों से भी, फायर से भी, और सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है जिसका अल्लाह पाक ने भी कहा इंसानी जान है कि वो सेफ हो, वो हम नहीं करते। सिर्फ 50 साल जाते हैं और अपने तजर्बे से घर बना लेते हैं जिसमें हमने अपने 50 साल बना होते हैं और अंतर होती है। इतने मजे बने हुए हैं मोस्टली ड्राई फ्रूट भी हैं तो हमने कुछ 50 से 60 लाख की गली मारी होती है जिसकी वजह से किसी से जान लगे। तो गुजारिश की है सब लोगों से कि आप अपने पैसे वहां पर लगाए जिसका इंसानी जिंदगी से वो फायदा है, आपकी अपनी लाइफ को घर बनाने से पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप एक्सपर्ट से रिव्यू होती है, वो आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं और सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं। और ये जो लॉज है उन्हीं को समझ आते हैं सही है, हमें ब्रॉडली समझ आते हैं। दूसरी बात ये कि मैं अली साहब की गुजारिश करूँगा कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है विच आर इन स्कूल एंड कॉलेज वहाँ पे हम ऑलरेडी इनके साथ काम कर रहे हैं जो बी एस लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं उनके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं जिसमें शायद आप फायर सेफ्टी और इस तरह की जो चीजें So that is very good. बच्चों को उसी लेवल पे बी एस के लेवल पे ही इन सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। बहुत जबरदस्त है कि अगर एक से जो काम हमें रेसिप में आने के बाद पता चले हैं और उनको अपनी स्टडीज के दौरान पता चले हैं। सर मैं इन्वाइट करना चाहूँगा आपके भट्टी साहब को कि सर प्लीज़ आप हमारे साथ अपने कलाम पर जान लेंगे। सबसे पहले
थैंक यू जी सर।
मीडिया के हमारे सारे साथी जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब लोगों का भी शुक्रिया कि आपने इस ग्लोबल क्लास में हमारा साथ दिया और हमारे इस पैगाम को यकीनन आप हमारी आवाम तक पहुँचाएंगे। अब आखिर में मैं दावा देना चाहूँगा मोहम्मद लाल टीम को भी और जो रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स शोदा हैं या उसके अलावा भी जितने शोदा हैं उनके लिए खासतौर पर आज के दिन की मुनासबत से एक दुआ करवा दें और आप सब लोग भी उसमें शामिल हो जाए। बहुत बिलाल की जाए वो लगा रहे हैं Thank you.